सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और आज हम यहाँ मिलने आए थे, वैसे तो राजनीतिक भाषा में इसको शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि ये हमारा एक आत्मीय मुलाकात थी, इस लिहाज से कि ये देश में जो परिस्थिति है अभी, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ करके बिला वजह जेल में बंद कर देना, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं, चार सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 543 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के सब लोग जो है घटक दल हैं और ये अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। दिल्ली की भी सातों सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं बना रहे हैं, वो दिल्ली के लिए बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का